तेरी उपमा, तेरी उपमा, तेरी उपमा तो वे मन आवे। गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे इट इज अ ग्रेट डे फॉर अस। Today is the birth anniversary of our patron saint of our institution, Shri Guru Amar Das Ji. To celebrate this great day, we are going to present an online assembly. I request all the viewers to kindly join us in seeking the blessings of Guru Ji. First of all, I would invite Ashpreet Kaur of grade 5th diligence to put some light on the life of Guru Ji. Good morning to all. I am Ashpreet Kaur, a student of Guru Amar Das Adarsh Institute, Goindwal Sahib. Today I am going to share my thoughts on this special day. Do you know what day is today? Today is the birth anniversary of Guru Amar Das Ji. Guru Amar Das Ji was born on May 5, 1479 in Basarke, Punjab. Guru Ji's father's name was Tejpan and mother's name was Mata Lakshmi Ji. Guru Ji married Mansa Devi and they had four children which they named as Mohri, Mohan, Dani and Pani. He is famous in the Sikh tradition for his relentless service to Guru Angad Dev Ji by waking up in the early hours and fetching water for Guru Ji's bath, cleaning and cooking for the volunteers with Guru Angad Dev Ji. Guru Angad Dev Ji named Guru Amar Das Ji his successor in 1552. Guru Amar Das Ji died on September 1, 1574 at Goindwal Sahib. At last, I would like to say that we should pray and hope for best for all living beings and seek the blessings of Guru Ji to tackle this tough time. Thank you. Next comes Kiranpreet Kaur for sharing the thought of the day. Good morning everyone. Today's thought is the best preparation for tomorrow is doing your best today. Thanks and have a nice day. Now I invite Gurnoor Singh and Harikpreet Singh for a Shabad Gayan. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. मेरा नाम गुरनूर सिंह है, मैं चौथी जमात का विद्यार्थी हाँ। मेरा नाम हरिस्टीव सिंह है, मैं पंजवी जमात का विद्यार्थी हाँ। असी दोवें गुरु अमरदास आदर्श इंस्टीट्यूट स्कूल दे विद्यार्थी हाँ। यह जो कोरोना वायरस नाम की महामारी इस संसार विच फैली हुई है, असी दोवें गुरु अमरदास जी दे चरणा विच अरदास करदे हां कि ओह इस बीमारी नू जल्दी तो जल्दी खत्म करन। परले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो हे बाने आवे। परले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तो हे बाने आवे। कान
Next, most humbly, I invite our respected teacher, Mrs. Kawaljeet Kaur, to put some light on the teachings of Guru Sahib Ji. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. मैं आप सबनु गुरु अमरदास जी दे प्रकाश पुरब दे इस पवित्र दिहाड़े ते बहुत बहुत बधाई दिंदी हूँ। मैं आप जी दे नाल गुरु अमरदास जी दे जीवन बारे कुछ विचार सांझे करना चाहती हूँ। गुरु अमरदास जी का जन्म 5 मई 1479 ईस्वी बासर के अमृतसर विखे पिता तेजपान ते माता लक्ष्मी जी दे घर होया। गुरु अमरदास जी का मेल गुरु अंगद देव जी नाल 73 वरे की उम्र विच होया। गुरु अंगद देव जी की आज्ञा नाल ही गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल नगर की स्थापना की। गुरु अमरदास जी बहुत वरे दरिया ब्यास के किनारे गोइंदवाल विच ही रहे। उन्होंने इत्थे जात पात अते वितकरियां नूं खत्म किया। संगत ते पंगत की प्रथा गुरु अमरदास जी ने इत्थे ही संगत ते पंगत की प्रथा चलाई, जिस तो भाव सी कि कोई भी मनुख बिना किसी धर्म के जात पात के वितकरे दे एक ही पंगत विच बैठ के प्रशादा छक सकता है। एक बार जो अकबर बादशाह गुरु अमरदास जी के दर्शनों लिए आया तो गुरु अमरदास जी ने उसनु सुनेहा भेजा कि पहला पंगत विच बैठ के प्रशादा छको फिर दर्शनों लिए आओ। इस तरह गुरु अमरदास जी ने पहले पंगत पाशे संगत की रीत चलाई। सती प्रथा का खात्मा गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल विच रहिंदे होए सती प्रथा का खात्मा किया, जिसका अर्थ यह सी कि जेकर किसी औरत का पति मर जाता है तो उस औरत नूं जीवंदी नूं ही पति की चिता विच जला दिता जाता सी। इस प्रथा नूं भी गुरु अमरदास जी ने ही खत्म किया। नाम की आराधना करना गुरु जी ने जीव नूं परमात्मा का उपदेश सुन अते नाम बाणी की आराधना करन दा उपदेश दिता। भला जी भाणा जी भुला जी गुरु अमरदास जी ने मनुखता नूं तीन पब्बियां दी बख्शिश कीती। भाणा जी तो भाव है कि मनुख नूं परमात्मा दे पाणी विच राजी रहना चाहिदा है, भाव परमात्मा दे हुकम नूं खिड़े मत्थे प्रवान करना चाहिदा है। भला जी तो भाव है कि मनुखता नूं लोड़वंदां दी सेवा करनी चाहिदी है, उन्हां दी मदद करनी चाहिदी है। अते भुला जी तो भाव है कि जेकर किसी वेले किसी मनुख तो कोई गलती हो जाती है तो उसनों अपनी गलती मानते हुए स्वीकार करते हुए अपनी भुल बख्शा लेना चाहिए है। अनंद साहब की रचना गुरु अमरदास जी ने अनंद साहब की रचना की, जिस विच उन्होंने मनुखता जीवन जाच की सेध दसी है। गुरु साहब फरमाते हैं, ए शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा जातू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना वसाया। जेकर मनुख उस परमात्मा नु अपने मन विच विसा के इस संसार विच विचरन ता कदे भी कोई मनुख अजहियां गलतियां ना करे जिन्ना करके अज सारा संसार समुची मानवता इस करोना वायरस वर्गी बीमारी दा संताप जो है वो भोग रही है। मैं आप अगे बेनती करती हाँ कि आओ आप रल मिल के गुरु साहबान जे चरणा विच अरदास बेनती करिए कि उह संसार नूं इस मुश्किल घड़ी विच अपना मेहर भरिया हथ संगतां दे सिर ते रखन ते इस मुश्किल समय तो कढ लैन। Now, I give a cordial invitation to our Honorable President Ma'am to express herself on this day. Aaj Sahib Shri Guru Amar Das Ji de Prakash Utsav di aap sab nu lakh lakh badhai hove. Guru Ji nimrata, seva bhavana te shanti de pujari san.
गुरु जी ने गोइंदवाल साहब बौली साहब तो लगातार 12 साल जल दी गागर चुक के खडूर साहब विखे गुरु अंगद देव जी नूं इशनान कराउण दी सेवा कीती। इत्थों ही गुरु जी ने 22 सिखां नूं वक्रे वक्रे थावां ते संगतां नूं सिक्ख्या देण लई भेजिया। गुरु अमरदास जी ने ही सिक्ख्या दा प्रसार कीता। गोइंदवाल साहब तो ही गुरु जी ने ऊंच नीच जात पात दे वितकरे नूं खत्म करन लई लंगर प्रथा शुरू कीती ते संगतां नूं इक पंगत विच बैठ के प्रशादा छकण दा उपदेश दित्ता। गुरु जी ने लोकां नूं सीधे राह ते चलण ते जीवन जाच सिखाउण लई गुरबाणी दी रचना भी कीती ते नाम सिमरन दा उपदेश भी दित्ता। सरबत दा भला करना, गुरु दे भाणे विच रहना ते पुल हो जावे ते परमात्मा तों बख्शैल लैण दा भी सानूं उपदेश दित्ता। गुरु जी ने समाज विच बहुत सारियां कुरीतियां जिवें सती प्रथा आदि दा भी खात्मा कीता। अज गुरु जी दे जन्म दिहाड़े ते सानूं उन्हां वल्लों दित्तियां गईयां सिख्यावां सेवा सिमरन नाम जपना निम्रता विच रह के मेहनत करना अपने विच शांति बनाई रखना ते किसे नाल वितकरा ना करन वर्गियां सिख्यावां ते चलण दा प्रण करना चाहिदा है। गुरु जी दे जन्म दिहाड़े ते आप सब नूं लख लख वधाई होवे। भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो ही बनावे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Now we conclude this assembly with an ardas. For this, I would invite Sajan Preet Singh of Grade 5th Blossom. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Ardas Ek Onkar, Shri Vaheguru Ji Ki Fateh, Shri Bhagauti Ji Sahai, Vah Shri Bhagauti Ji Ki Paatshahi Dasmi, Pratham Bhagauti Simar Kai, Guru Nanak Lai Tiyai, Kirangat Gur Te Amardas, Ramdas Ji Hoi Sahai, ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਸਿੰਧਿਆਈਏ ਜਿਸ ਚਿੱਟੇ ਸਭ ਤੁਕ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀ ਹੈ ਕਰ ਨਾਉਣੇ ਤਾਵੇ ਧਾਏ ਸਭ ਸਾਈ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੀ ਮਾਣੇ ਦੇ ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੀ ਤਾਣੇ ਦੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੀ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਆਦਰਸ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ ਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੇ।